फिर शासन कर रहा है, कोई कह दे मैं तो बीजेपी का अध्यक्ष हूँ, कोई कहेगा कुछ, कोई कहेगा कुछ, खबर भेजो हमने कही सच दिखा दें झूठ नहीं। आप देख रहे हैं डीपीपी न्यूज, मैं आपके साथ उमेंद्र कुमार, और आज आए हम गंगा स्नान मेले में, और यहाँ पे यूनियन के जो अध्यक्ष हैं उनसे मिले हैं। मैं आइए इनके बारे में जानते हैं कौन है, कहाँ से आए हैं। हाँ जी, आपको सुनना। मेरा नाम विकास कुमार, भारतीय किसान यूनियन भानु से ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। जी कब आए हैं आप यहाँ पे? भैया तीसरा दिन। वैसे हमारा जो आने का वो था, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी एक गंगा स्नान में गए हुए हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारे दिवाकर चौधरी, वो क्या बोलते हैं गढ़वाले नहान में है, तो उन्हीं के आदेश अनुसार हमने आज जो हमारे कार्यकर्ता और भी मौजूद हैं, ये हमारे ब्लॉक से महासचिव हैं, ये हमारे युवा अध्यक्ष हैं ब्लॉक मोहम्मदपुर टेमल से, और बाकी पूरी हमारी कार्यकारिणी आई हुई है, उन्हीं के आदेश पर आकर जो आज तीन दिन पहले हमने टेंट लगा दिया। और हमारा उद्देश्य ये है कि किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किसानों का मेला है, ये किसानों का मेला है, गंगा स्नान का जो मेला बताया जाता है वो किसानों का मेला बताया जाता है। जिस किसी किसान को कोई दिक्कत परेशानी हो वो आकर विकास चौधरी से मिल सकता है, हम उनकी सेवा में हर समय तैयार हैं। किस तरह से सेवा करेंगे किसानों की आप? हर तरह से करेंगे, किसी का ट्रैक्टर फंस जाए वो निकलवा मांगे, किसी को रात में रुकने की जगह ना हो तो रात को रुका मांगे, सुबह खिचड़ी खिलवा मांगे, किसान और क्या कर सकता है भाई, किसान के पास पैसा तो है नहीं, किसान तो खिचड़ी खिलवा सकता है और उसके रहने का ढंग कर सकता है। किसान के साथ बस दो तीन चीजें हैं, क्या आ बैठ पी पानी, ये तीन चीज कहीं से नहीं लानी, तो ये तो हमारे पास है। जैसे आज ट्रैक्टर वगैरह के स्टंट चल रहे थे यहाँ पे गंगा नदी में यहाँ, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? असल में ये जो स्टंट दिखा रहे हैं ये बेवकूफ है, इन्हें कोई कहने सुनने वाला तो है नहीं, इनके माँ बाप जो हैं बिल्कुल अंधे मानता हूँ मैं, क्यों इन्हें कोई कहने सुनने वाला नहीं, अगर कोई कहने सुनने वाला होता, ट्रैक्टर और भी खड़े हैं यहाँ, उनके सबके बारिश हैं, ये जो लावारिश घर से होकर चलते है ना, जो घर से चलती है हम तो लावारिश हैं, या बिगड़े हुए समझ लो, बिगड़े लौलाद, और अधिकतर ये हमारी बिरादरी जो जाटों की बिरादरी है ना, ये यही लड़के ज्यादा एक्शन दिखावांगे, है कुछ नहीं, खत्म होने को तैयार हैं लेकिन एक्शन खत्म नहीं हो रहे इनके, और ये ज्यादा नहीं देखे होने के एक दो ही ट्रैक्टर हैं जो ये स्टंट दिखा रहे हैं, और ये हा हुल्ला हुल्लू कर इन्होंने जो जाट बिरादरी को बदनाम करके गिर रखा। जैसे यहाँ पे एक ट्रैक्टर खप भी गया था और उसमें शायद दुर्घटना होने की भी सुनी जा रही है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? एक बात बताओ, जो प्रशासन ने मना कर दिया कि इससे आकर ट्रैक्टर मत लेकर जाओ इससे, और अभी तो आपने ट्रैक्टर देखा, परसों ये सुनियो कल शाम को कि इतने डूब गए यार, जब इतने बे लगा दी बल्ली प्रशासन की, फिर प्रशासन की क्या गलती इसमें ट्रैक्टर वहां ले जाने की क्या जरूरत थी, जब प्रशासन ने बल्ली लगा दी, इस आग का जो खतरा, इस आग का ट्रैक्टर मत लेकर जाओ, रास्ते बना रखे, तो इस आग का जाकर भैया क्या करने जा रहे हैं? प्रशासन नहीं कर रहा उसके बारे में, देख रहे कहाँ पे खड़ा हो गए, प्रशासन कर रहा है, कोई कह दे मैं तो बीजेपी का अध्यक्ष हूँ, कोई कहेगा कुछ, कोई कहेगा कुछ, प्रशासन क्या करेगा, हम तो अपनी सोर्स दवा लगा के वो आगे बढ़ जाते हैं, ये कोई सोर्स लगा कोई सोर्स लगा होगा, कोई गुंडागर्दी दिखा होगा, किसानों का मेला, मैंने भी बताया आप सके किसानों का मेला माना जाता है, प्रशासन भी इसलिए जो क्या गुंडागर्दी कोई तो रोक लगा लेंगे, मान लो हम ये ट्रैक्टर लेकर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हो, हम ट्रैक्टर धो कर लाऊं, लेकिन जब ये दाएं बाएं को ले जाकर ट्रैक्टर फंसा मांगे, स्टैंड दिखा मांगे, तो देखो परेशान, इस परेशानी में तो हम भी साथ नहीं देने के, ये कोई परेशानी ऊपर वाले ना कुदरत की देनी थोड़ा ही, ये परेशानी दे खुद भोग रहे हैं। जी ठीक, धन्यवाद। यहाँ पर एक और युवा बैठे हैं, आई जानते हैं इनसे उनके बारे में। जी भैया, मेरा नाम नितिन, भैया किसान सेवा संगठन में आप पद क्या है? ब्लॉक महासचिव मोहम्मद किसान। थोड़ा मेले के बारे में बताएंगे हमें? मेले के बारे में तीन दिन हो गए भैया, आओ हमारे और अच्छे से सभी किसानों का मेला आयो, अच्छे से बिताएं, कोई दंगा फसाद ना करा, जो हमारे अध्यक्ष जी कहेंगे बाकी हम वो कर लेंगे, जो ये कहेंगे वो आप कर लेंगे। हाँ, ये कहें लाठी चलाने वाला लाठी चला लेंगे, अरे लाठी नहीं चला लेंगे, जब अध्यक्ष जी कहेंगे, ये कहेंगे किसी को मांगने को आप मार देंगे, अरे ऐसा ना मानने कोई लड़ाई भैया, ज्यादा उत्पाद करेगा तो कर लेंगे, ऐसा हमारा संगठन बहुत शांतिपूर्वक संगठन है, हमारे संगठन को आज तक कोई मुकदमा नहीं, आज तक जो हमारा भानु का संगठन है
यहाँ से लेकर छोटी कार्यकारिणी से बड़ी कार्यकारिणी तक कोई मुकदमा नहीं है। क्यों? क्योंकि हम शांति शांति में कोई धरना प्रदर्शन होगा जो भी काम करते हैं शांति में करते हैं। हमारा संगठन शांति चाहता है, लड़ाई झगड़े वाले हम लोग, और ये हमारी कार्यकारिणी है। कार्यकारिणी के तो हमारे जैसा हमारे देश करेंगे वैसे तैयार। मतलब जनरली कोई भी गड़बड़ दिखेगी तो उसमें आप इनका सपोर्ट करेंगे? हाँ बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, फुल सपोर्ट है आपका। हाँ जान से फुल सपोर्ट है, चाहे कुछ भी हो जाओ आपका। चलिए एक युवा और मिले हमें, आइए इनसे बात करते हैं, इनके बारे में जानते हैं। अजय भैया आपका सुन नाम? मोहित कुमार। मोहित कुमार जी आप कहाँ से हैं? मेरा नाम मोहित कुमार, ग्राम सागर से, युवा ब्लॉक अध्यक्ष मोहम्मद। भैया आपका क्या ओपिनियन है यहाँ को मेले को लेके? हम सभी युवाओं से विनती करना चाहते हैं कि बिना ही किसी विवाद के मेले का एंजॉय करा जाए, और आराम से शांतिपूर्वक जितनी तुम शांति रखोगे उतनी शांति बनी रहेगी। क्योंकि ये जो मेला है बाहर गंगा स्नान का, वो जो है युवाओं के हक में ज़्यादा, क्योंकि अधिकतर यहाँ पर 80% तक युवा, तो युवा अगर तो शांति रखेंगे तो मेले में शांति रहेगी, और अगर तो यही विवाद करेंगे तो युवा। तो सभी समय ये निवेदन करना चाहता हूँ कि सभी बहुत अच्छे से आराम से मेले का एंजॉय करें और बहुत शांति से रहें। कुछ असामाजिक तत्व मेले में हैं, उनसे जो है थोड़ा सा बच कर रहे हैं वो, क्योंकि वे लोग स्टंट कर रहे हैं ट्रैक्टरों से, कभी कुछ कर रहे हैं। अभी पीछे एक ट्रैक्टर वालों ने किसी को चोट मार दी, बुजुर्ग आदमी थे वे बेचारे, उनको चोट मार दी। ये एक असभ्यता का प्रतीक है, ये नहीं होना चाहिए मेले में। मेले में आए हो तुम उसका एंजॉय लेने के लिए, अब तुम उसी में जो हो विवाद कर रहे हो, तुम फिर यहाँ से चोरी छुपे से भगोगे या किसी को चोट मारोगे, विवाद होगा, इस चीज़ का कोई महत्व नहीं है। मेले में आए हो, और भारतीय किसान यूनियन भानु किसी की जो मजबूरी है, कोई समस्या है, तो उसके लिए सजग तक। जैसे आप 3 दिन से आए हुए हैं यहाँ मेले में, तो किस तरह की तैयारी वगैरह आप हुई है यहाँ पे? प्रशासन के हिसाब से बहुत अच्छी तैयारी है, बहुत सुविधाएं दे रखी है प्रशासन ने, लेकिन थोड़े से जो ऐसे सामाजिक तत्व मैंने बताए थे वही थोड़ी सी गड़बड़ कर रहे हैं, बाकी समाज में जो है मतलब मेले में बहुत अच्छे से। बाकी आपको किस तरह का दृश्य देखने को मिला मेले में? मेले में बहुत अच्छे का दृश्य है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है प्रशासन की तरफ से भी, और सब तरीके से बड़ा अच्छा मेंटेन कर रहा है। अभी आपने देखा हमने मोहित जी से बात की, इन्होंने बहुत ही अच्छे तरह से अपने विचार प्रकट किए और जो जो इन्होंने किया मेले में आके वो बताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।